हेलो अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है मेरा भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब से बात करने जा रहा हूँ, आप लोग तो थंबनेल पे देखा ही होगा। तो आप लोग थंबनेल पे ये देखा होगा अलमराई कंपनी का, ठीक है। तो कितना सैलरी है, बहुत ज़्यादा सैलरी इसमें दिख रहा है, इसमें लिखा भी है मैसेज आस फॉर अप्लाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इस बारे में पूरा डिटेल्स में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त ने मेरे को भेजा है, इसके बारे में जानकारी चाहिए उसको। तो सबसे पहले देख लो, ये जो अलमराई कंपनी है, हम लोग कॉफी शॉप में जॉब करता हूँ। अलमराई बहुत बड़ा कंपनी, बहुत ही बड़ा कंपनी है सऊदी अरब में, सऊदीया का बाहर भी है, पूरा गल्फ कंट्री में है, दुबई में भी है, ठीक है। मैं 8 साल से सऊदी अरब में हूँ, तो 8 साल से इसी कंपनी के साथ मतलब लेन देन कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब मैनेजर हो तो कंपनी मतलब मेरा पास ही आता है सब आदमी, तो पैसा वैसा जितना जो मतलब जो कुछ करना है इस कंपनी के साथ 8 साल से मतलब हूँ, तो काफ़ी सारा नॉलेज है, मतलब कितना सैलरी मिलता है इस कंपनी में, किस तरह आदमी लोग आता है, ठीक है। और ये कंपनी है, ये तो बहुत बड़ा है ही, और इसका जो गाड़ी है, गाड़ी भी बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। जो लोग इधर मतलब दूध सप्लाई करता है ना, हम लोग का दुकान में आके देखे जाता है, तो उन लोग भी बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आता है, उन लोग भी हम लोग का दुकान में हर रोज़ आता है। तो आज सोचा था उन लोग के साथ वीडियो बनाओ, बस टाइम नहीं मिल रहा था, दुकान में बहुत ज़्यादा कस्टमर आया था, तो थोड़ा आप गाड़ी देख लो उन लोगों का, ठीक है, उसके बाद बातचीत कर लेता हूँ। आप लोग को अगर चाहिए तो मैं उन लोग का साथ बैठ के भी बातचीत करेगा बाद में, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो आप लोग जो देखे हो, ये मतलब किसी दूसरा आदमी का फ्रॉड है, ठीक है। दूसरा आदमी ने आपका साथ फ्रॉड करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट कंपनी का वेबसाइट से कभी भी ऐसा नहीं करता, ये लोग ने मेरे को बोला है। कंपनी से अगर आपको बंदा चाहिए तो ये लोग डायरेक्ट ऑफिस में भिजा देता है, ठीक है, ऑफिस में भिजा देता है, उधर से आदमी मंगवाता है। इसमें जितना सैलरी लिखा है, इतना सैलरी तो जो लोग पुराना हो गया उन लोग का है, ठीक है। नया बंदा का इतना सैलरी कभी नहीं हो सकता, और इस तरह का आदमी नहीं बुलाता ये लोग। मैसेज करेगा फॉर अप्लाई के लिए, आप मैसेज करोगी, आप पैसा दोगी, फिर आपको जॉब मिलेगा। भाई एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाने के लिए बहुत मुश्किल है भाई, इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। इतना ईजी होता तो क्या बोलो आप लोगों को, तो इतना पैसा का ज़रूरत ही नहीं होता। आदमी लोग देखो नया नया आ रहा है, कितना पैसा खर्चा करके कितना मुश्किल से आ रहा है भाई, तो इतना ईजी नहीं है। इस तरह मैसेज में आपको जॉब नहीं मिलता। बात कर लेते हैं इसका सैलरी के बारे में, इस कंपनी में सैलरी कितना कितना मिलता है। भाई इस कंपनी में जो फर्स्ट टाइम आता है उन लोग को मतलब मेहनत का हिसाब से आपका जो जिस काम में जाना चाहती हो, ठीक है। ये लोग का मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, तरह तरह की काम रहता है इन लोग का। एक काम है आपको मतलब एसी के अंदर बैठ के बस पैकिंग करो, ठीक है। दूसरा काम है आपको बस ड्राइविंग करो, इस सिटी से उस सिटी लेने का, बस गाड़ी चलाना। तीसरा काम है आपको सप्लाई करना, दुकान दुकान माल देना। और इसमें मैनेजर भी है, इसमें टेक्नीशियन भी है, मतलब बहुत तरह तरह की काम होता है। उसका ऊपर डिपेंड करके आपको सैलरी मिलेगा, आप किस काम में जा रही हो, ठीक है। और इसमें जितना लिखा है इतना तो है नहीं भाई, इससे कम है। नया जब एक बंदा मतलब मैंने जिस बंदा से बात किया हूँ, वो सप्लाई मैन है, दुकान दुकान सप्लाई देता है, बोलता है कि नया जब आता है फर्स्ट टाइम इन लोग को 1500 मिलता है, ठीक है। जो ड्राइवर में भी आता है उन लोग को मतलब 1800-1500 ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद काम का ऊपर डिपेंड, आदमी जितना एक्सपर्ट दिखाएगा उसका बाद उतना धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा अनलिमिटेड है, ठीक है। सैलरी मतलब क्या बताओ आप लोगों को, हम लोग का दुकान में नेपाल का लोग आता है, ठीक है, कभी कभी पाकिस्तान का भी आता है। ये लोग बोल रहा है महीना में मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार कमा लेता है। इन लोग का बहुत साल हो गया भाई, बहुत साल हो गया, क्या बताओ, मतलब बहुत साल हो गया इन लोग का। तो इसलिए ये लोग कमा रहा है, और मेहनत इतना है भाई, मतलब सुबह 6 बजने से पहले गाड़ी पूरा फुल लूट करेगा, पूरा दुकान दुकान दे के आएगा, इतना भारी भारी है भाई। और एक है जो लोग स्टोर में रहता है, बस स्टोर में रहता है, उन लोग का फिर इतना सैलरी नहीं है, उन लोग का फिर 1000 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1000 से भी स्टार्ट होता है इस कंपनी में सैलरी। तो सैलरी आप जितना देख रहे हो इतना तो है नहीं, और इस कंपनी में मेहनत भी उतना ही है।
ठीक है, सैलरी जितना है मेहनत भी उतना ही है, आदमी लोग बहुत कमा रहा है। मेरे को मतलब 2-3 साल पहले एक नेपाल का आदमी मिला था, ठीक है, उसने मेरे को बोला कि मैं भाई जितना दिन सऊदी में काम किया हूँ उतना दिन सैलरी मिला, फिर एक साल में या एक महीने का छुट्टी रहता है या 2 महीने का छुट्टी रहता है, ठीक है, वो साल में वो छुट्टी लेगा तो उसको छुट्टी का टाइम में उसको हाफ सैलरी मिलता है इस कंपनी में, ये बहुत अच्छा है। और आपको जुम्मा का दिन इस कंपनी में छुट्टी रहता है, आप अगर छुट्टी ले लिया तो ले लिया, अगर आप छुट्टी नहीं लिया आप ड्यूटी किया तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, बोनस मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है। बस मेरा दोस्त ने मेरे को बोल रहा था भाई ऐसा ऐसा बात है, मैंने मतलब फेसबुक में देखा हूँ ऐसा है, मतलब फिर मैसेज करने के लिए बोला, फिर मैं मैसेज किया हूँ, फिर वो लोग पैसा मांग रहा है। भाई सबसे पहले बिल्कुल ऐसा मत करो, किसी को पैसा दे के आप मतलब फ्रॉड का चक्कर में पड़ के आपका पैसा बर्बाद होगा, ये जॉब इस तरह नहीं मिलता, ये जॉब आपको ऑफिस में मतलब घूमना पड़ेगा, ऑफिस में जाके ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर आप रख लो, उसके बाद बोलो मेरे को ऐसा ऐसा जॉब चाहिए, और 2 दिन में उन लोग को फ़ोन करो, ठीक है, तब आपको जाके अच्छा जॉब मिलेगा, इसी तरह मतलब बहुत ही मुश्किल होगा। और एक बात, इन नेपाली भाई लोग ने मेरे को बोला है कि हम लोग का टारगेट देता है, सो आप लोग को 2 आदमी का एक ग्रुप बना दिया, 3 आदमी का, आप तीनों मिलके इस महीना मतलब 2 लाख कमा के दोगे, मतलब 2 लाख का सेल करोगी तो आप लोग को इतना कमीशन मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा काम करोगी, ज़्यादा दुकान में जाओगी, ज़्यादा शॉप में जाओगी, ज़्यादा सप्लाई करोगी, आप लोग को 2 लाख का ऊपर जितना होगा उसका हिसाब से भी आपको सैलरी तो है ही, ऊपर से उसका हिसाब से भी आपको बोनस है इस कंपनी में, ठीक है, कमीशन है, बोनस है, और जुम्मा का दिन छुट्टी नहीं लिया उसका भी है, मतलब कंपनी बहुत बुरा है, कंपनी का जब ज़्यादा बेनिफिट होगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अलमराई कंपनी क्या बताओ, पूरा सऊदी में इतना पॉपुलर है भाई, जहाँ भी जाओ अलमराई का सब कुछ मिलता है, सऊदी अरब में जितना कॉफ़ी है सब में अलमराई चलता है, ठीक है, और इसका अलमराई का कितना प्रोडक्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो इस कंपनी में जो भाई आ रहा है फर्स्ट टाइम थोड़ा मेहनत होगा, मतलब झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम 1 साल अगर आपने इसमें कटा लिया उसके बाद देखो एकदम, उसके बाद मेरे को ऐसा ही और एक आदमी मिला था जकारिया नाम का, ठीक है, तो उस आदमी जब फर्स्ट टाइम आया था भाई जैसे कि रोएगा, हम लोग का दुकान में आता था, कॉफ़ी वॉफी पिलाते थे हम लोग, बस रोता था आके, इतना मेहनत करता था, हाथ वो पूरा फूल जाता था उसका, हाथ में हाथ मोजा लगा के काम करता था, ठीक है, मतलब 1 साल काम किया, 18 महीना काम किया, उसके बाद धीरे 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 उसने गाड़ी चलाना सीख लिया, ठीक है, तो धीरे 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 जो लेवल में था, दुकान दुकान माल देता था, वो लेवल से थोड़ा ऊपर आ गया, उसके बाद ऊपर आ गया, उसके बाद ऊपर आ गया, अभी तक है वो भैया जकारिया, ठीक है, तो अभी उसका सैलरी कितना है, 3,000 का ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसका सैलरी था 1200 रियल, तो आज से 2-3 साल पहले 1200 रियल था, 2 साल में मेहनत किया बेचारा, उसका 3,000 का ऊपर है, बोनस वोनस मिला के तो और बहुत ज़्यादा मिलता है भाई। तो अलमराई में आपको अगर जॉब मिले, आपको अगर गाड़ी चलाना आता है, ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरा हिसाब से, किसी कॉफ़ी शॉप का जॉब से, किसी दुकान की जॉब से, इसमें बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, छुट्टी में आप घर जाओगी तो आपको मतलब हाफ सैलरी मिलेगा इसमें। तो आई होप भाई लोग आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं यही बोलना चाह रहा था कि भाई जो मतलब आपने जो देखे हो ये एकदम झूठ है, झूठा मोटा है, इस तरह जॉब नहीं मिलता भाई, तो इसके चक्कर में आप मत पड़ो, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया, समझ में अगर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट उन लोग का साथ, अलमराई वाला का साथ, मतलब जो हम लोग का दुकान में आता है उन लोग का साथ में बैठ के वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएगा, पूरा सच बता देगा वो लोग, देना। आप अगर मेरा इस चैनल पे नया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरह सऊदी अरब के बारे में नया नया जानकारी देते रहता हूँ, सऊदी अरब जॉब के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।